The Mahasaw Principal Secretary visits Harangajaw. T.T. Dawlagopu, Principal Secretary, the Mahasaw Autonomous Council, visited Harangajaw recently. Dawlagopu, along with department's officials, inspected various development projects like JJM, roads, infrastructure, development. Expressing his satisfaction over the implementation of government projects, Principal Secretary said most of the projects are being done with sincere efforts. According to Principal Secretary, Harangajaw area should get importance since there has been scopes for adventure tourism, development and other. He also mentioned that a fishery may be the first of its kind in the district developed at Harangajaw. The school building, which is to be completed soon, is also first of its kind in the district. Harangajaw hum recently gaya hai, aur recently gaya ka baat sirf nahi, hum bahut din ka baat gaya hai. नॉर्मली हरंगाजाव बोलने से हम जाने का इतना थोड़ा तकलीफ होता है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, ओनली अबाउट 40 किलोमीटर्स, लेकिन जाने आने में बहुत प्रॉब्लम होता है, रास्ता का प्रॉब्लम है. अभी वो थोड़ा रास्ता ठीक है, वो लोग हाईवे वाला लोग मेंटेन करता है. तो उधर हम मल्टीपल स्कीम्स देखने के लिए गया है और मल्टीपल स्कीम्स में पहला हम JJM भी देखा है. JJM तीन जगह में देखा है, तीन जगह में भी ठीक है, अच्छा से पानी मिलता है, पानी का क्वालिटी अच्छा है. और जैसे रेडजोल में देखा है, महाराजपुर में देखा है, बोरो मुल्कोई में देखा है, तीन जगह में भी JJM का स्कीम अच्छा चल रहा है. और हरंगाजाव में पानी का वो सोर्स अच्छा भी है, वो भी एडेड बोनस है हरंगाजाव के आदमी के लिए. लेकिन वो सब छुरकी भी उसका बहुत अच्छे से मेंटेन किया है. महाराजपुर में हम देखा है तो घर का वो कोई महिला लोग से बातचीत किया है, वो लोग भी बहुत खुश है कि अभी कम से कम तो घर में पानी आता है, घर में खुद मिलता है, और वो सब देखा है. उसके बाद में वहाँ NEC का प्रोजेक्ट भी चल रहा है. NEC का प्रोजेक्ट में देखा है, एक रास्ता का स्कीम देखा है बोरो मुल्कों में, वो बहुत अच्छा से बनाया, हम बहुत इम्प्रेस हुआ वो रास्ता देख के. वो बहुत अच्छा से बनाया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छा है. और वहाँ ड्रेन भी अच्छा से बनाता है, ब्रिक से बनाता है, वो चौराहे भी है ड्रेन का. और गाँव वाला लोग भी वहाँ भी हम उन लोग से इंटरेक्ट किया, वो लोग भी बहुत खुश है वहाँ. और हरंगाजाव में एक और चीज़ देखा है हम, लॉन्गेस्ट फिशरी भी हरंगाजाव में देखा है. दो विथ इतना ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत लंबा है, वो मोर देन 1 किलोमीटर इतना लंबा है. ताजुब भी लग गया, पहला हमको बोला है मोर देन 1 किलोमीटर, हम विश्वास नहीं हुआ क्या 1 किलोमीटर ना 100 मीटर्स बोलने मंगा, ऐसा सोचा था. लेकिन हम जाके देखा तो हाँ, वो सीधा तो नहीं है लेकिन 1 किलोमीटर लेंथ में तो है. वहाँ वो गाँव वाला लोग को उससे बहुत सुविधा मिलेगा उधर में. और बहुत छोटा छोटा रास्ता गांव का अंदर बनाया है वो NEC प्रोजेक्ट में, वो भी अच्छा से बन रहा है, वो क्वालिटी इज़ वेरी गुड, आई एम वेरी प्लीज विद द क्वालिटी एंड एवरीथिंग. और स्कूल भी देखने के गया है, स्कूल इंग्लिश स्कूल है, इंग्लिश स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल है. तो उसका डिज़ाइन हमको बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा प्राइवेट स्कूल्स जो आजकल गुवाहाटी में है, ऐसा तरह का है डिज़ाइन, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा भी बनाया. वो क्वालिटी भी देखा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छा है. और उधर पास में एक और हम लोग अभी RMSA की तरफ से भी स्कूल बनाएगा, तो ये सब देख के वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ बहुत अच्छा हो जाएगा स्कूल का. और अभी वो प्लेग्राउंड के लिए उधर नदी का बांध, नदी का पानी रोकने के लिए बांध बनाया, बहुत लंबा बांध बनाया, 3 स्टेजेस का बांध है और बहुत लंबा है, वो भी 1 किलोमीटर का जैसा होगा. वो भी बांध का क्वालिटी भी हम देखा है, बहुत अच्छा है. और उससे बहुत, और उस जगह को साफ सुथरा करके वहाँ जो ग्राउंड जो है उसको बहुत बड़ा बना दिया. अभी जो पहला हरंगाजाव का जो ग्राउंड था उसका आई थिंक अराउंड 4 टाइम्स द साइज ऑफ द एग्जिस्टिंग ग्राउंड. तो ये प्लेग्राउंड बहुत बड़ा बना है. और उधर हॉस्पिटल में भी गया है, हॉस्पिटल का भी ठीक ठाक है, साफ सुथरा है. और काम डॉक्टर्स भी था, सब स्टाफ भी था, सबको सबका इंटरेक्ट भी किया है. उधर आंगनवाड़ी सेंटर्स भी देखा है, आंगनवाड़ी सेंटर्स भी ठीक ही चल रहा है, ठीक ठाक ही चल रहा है, बच्चा लोग था. वैसे आंगनवाड़ी सेंटर्स तो 12-1 बजे तक तो चलने के बाद भी नहीं, और हम उधर जाते जाते सुबह निकला लेकिन जाते जाते पहुँचते पहुँचते तो थोड़ा देर हो जाता है क्योंकि मल्टीपल स्कीम्स देखना पड़ता है. एक स्कीम के लिए हम लोग निकाल नहीं सकता है, हम लोग ऑफिसर्स लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जहाँ भी जाता है हम लोग उन तरह मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का स्कीम नहीं देखने से हम लोग का टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाता है. इससे ख़राब लगा बच्चा लोगों के लिए कि उन लोग इतना देर तो रुक के रहा. तो फिर भी वहाँ आंगनबाड़ी भी ठीक तरह से चल रहा है. और बाकी तो
बहुत पहले के बाद बहुत दिन के बाद गया है देखा तो वो सब बाकी तो वो रास्ता उस्ता तो बहुत ही ठीक हो गया, पहले का जैसा नहीं है हरंगा जाओ, पहले का हरंगा जाओ नहीं है, बहुत चेंज हो गया। मेन जो तिराली जो बनाया है वो भी बहुत अच्छा लगा है। पहले हम गया था उस समय वो बिल्डिंग थोड़ा हाफ डन था, एक साइड का नहीं हुआ था, इस बार जाने में देखा तो वो भी कंप्लीट हो गया। वो सब सब देख के अच्छा लगा, हरंगा जाओ बहुत आगे बढ़ रहा है। अभी सिर्फ ये रास्ता का अभी भी प्रॉब्लम है, वो तो हाईवे लुक का प्रॉब्लम, हाईवे लुक बनाएगा जब तभी होगा। रास्ता जब हो जाने से तो हरंगा जाओ हम लोग के साथ में और इंटीग्रेशन होगा, जैसे माईबांग के साथ जितना इंटीग्रेशन है उतना हरंगा जाओ के साथ में नहीं है, थोड़ा कम है। तो इसका अगर रास्ता हो जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। नहीं वो तो बाकी सब ठीक है, रास्ता रास्ता हो जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं। वन ऑफ द बेस्ट जरूर हो सकता है, क्यों नहीं होगा। उधर से आप लोग कोई ट्रैकिंग अगर बनाएगा तो दो साइड में ट्रैकिंग हो सकता है, एक तो उधर से जाके थुरुक होके उमराक्सो निकलने के लिए, या इवन घूम घाम के हाफलोंग आने सकता है, वो एक ट्रैकिंग का रूट होता है। और एक तो उधर से उठ के दोहेंग हो कि वो बरायल से होके एक ट्रैकिंग रूट निकाल सकता है। तो हरंगा जाओ का हम सोचता है ये एडवेंचर टूरिज्म के लिए, वो ट्रैकिंग रूट के लिए हरंगा जाओ कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी राफ्टिंग तो इतना नहीं होगा क्योंकि पानी फिर भी कम है, विंटर सीजन में कैचमेंट एरिया थोड़ा छोटा है, कैचमेंट एरिया हरंगा जाओ के लिए छोटा है, लेकिन वो समर में तो बहुत पानी ज़्यादा होता है, लेकिन विंटर में वो राफ्टिंग वाफ्टिंग के लिए तो पानी नहीं होता। वही है हरंगा जाओ का तो डेवलप बहुत हुआ है, जरूरी भी है, और अभी वहाँ जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है तो वो तो कॉलेज का एक ज़रूरी है। वो अभी तक तो काउंसिल में तो ऐसा कुछ हम लोग टेकअप नहीं किया अभी तक तो, कल जाके देखा है, हम लोग भी उस ब्रिज से क्रॉस किया है, थोड़ा डेंजरस है, बीच में बहुत दब गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। वो रिसेंटली हुआ है, सब होने में थोड़ा टाइम लगता है, और ब्रिज का स्पैन भी थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें खर्चा वर्चा भी थोड़ा ज़्यादा आएगा। हाँ तो ओल्डर से ही होगा, अभी तो ओल्डर से ही हो सकता है, क्योंकि बाकी तो सब हम लोग चेंज वेंज कर। थैंक यू।